तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक ब्राह्मण तराजू बनिया हम बनिया है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। धन्य है वो जोगी जी महाराज और धन्य है मोदी जी महाराज, क्या कहना है। गरीबों के लिए जो उन्होंने सेवा किया, फ्री में अन्न बंटवाया और सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन यह बात एक बीघा में अगर जब तक 2.5 लाख 1.5 लाख खर्च कर घेरेबंदी ना करब तो ओकरे बाद जौन है हसुआ ओमन ना ले जाइए, तो उन्हें खुद काट के अपन सही कर दे। बस यह तकलीफ बा मालिक और कुछ ना हो। तो 20 साल अब ओहर से आई हैं, तो 20 साल ओहर से ढकेल गई हैं, तो 20 साल हर से ढकेल गई हैं, एकदम जान लग जीना मोहाल भव है। वो खुद के हुक ना हो पा, पानी पी ना पाओ, तब तक वो का सही कर दे। ये देखिए 3 साल हो गया, देखिए टोटी नहीं चल रही है, टोटी लगी पड़ी हुई है, तो इसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं, पानी वानी नहीं, इसमें कुछ नहीं। कितने दिन हो गए लगे? 3 साल कोरोना पीरियड से पहले लगी थी। 3 साल से पानी नहीं आ रहा, तो काम कैसे चलता है? पानी कहाँ से लाते हैं? पानी हम लोग लाते हैं कम से कम 2 किलोमीटर। नहीं नहीं, अब समझ लिए, वो नलका देख रहे हैं आप, वो वहाँ से पानी लाते हैं उतनी दूर से। तो वो सरकारी है वो? नहीं, सरकारी नलका भी नहीं है यहाँ। अच्छा, वहाँ से और यहाँ तक कोई सरकारी नलका है ही नहीं। 4 साल से कहा, जब से जीते हैं ना आया है, जब से जीते हैं। देखिए ये शिकायत है, क्या कह रहे हैं आप, कब से नहीं आए? जीते नहीं आए। फिर आप वोट देने का टाइम आ रहा है? हाँ, फिर आइए ना, वोट ले जाएंगे। सड़कें पूर्ण रूप से अधूरी हैं, कभी भी गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है, और पानी की बड़ी समस्या है, ये आप समझ लीजिए। और सरकार से तो संतुष्टि है, सुनने में जो भी आता है कि अच्छा सुनने में आता है, लेकिन एक भी सुविधा यहाँ तक पहुँचती नहीं है। न तो कोई अधिकारी आता है, न कोई और कुछ समझता है। बॉर्डर का एरिया है, उधर अम्बेडकर नगर, इधर आजमगढ़ है, लेकिन सड़क की स्थिति जो है बहुत ही खराब है। नल जल का यहाँ पे जो उस मिशन देख लिए, पानी की कहानी इतनी है खराब है कि आप उस चौराहे से लेके उस चौराहे तक चले जाइए, ये देखिए, एक हैंडपाइप हम लोग लगवाए हैं चंदा लेके, और एक भी हैंडपाइप नहीं है कि किसी को शुद्ध पानी मिल जाए। ये भी देसी हैंडपाइप है, 35 फुट पे लगा हुआ है, पानी जहरीला है, लेकिन मजबूरी है पीना हम लोगों को। उसके लिए सारे जनप्रतिनिधियों से कहा गया, लेकिन एक हैंडपाइप आज तक लगा नहीं। सर, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का एक पार्ट का हिस्सा था, जिसमें मैं एक अभ्यर्थी था उसमें, और मैं सबसे पहले तो आपके सनातन धर्म टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे क्षेत्र में आ करके आप हम लोग की समस्याओं को जो है उजागर करने का प्रयास किया है। क्या लगता है कि न्याय न्याय कौन सी पार्टी दे सकती है आपको? न्याय मुझे अभी ये शासन में है तो न्याय से तो इन्हीं की उम्मीद रहेगी कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जबकि घोटाला इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, तो न्याय भी इन्हीं से मिलनी चाहिए हमें। न तो यहाँ रोड है, न तो लाइट है, न तो कुछ है, ये हम लोग बॉर्डर पर हैं, यहाँ कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। विधायक किस पार्टी से हैं यहाँ पे? विधायक यहाँ सपा से हैं। माने सपा और बसपा के बीच में ये मित्तूपुर की जनता पिस रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी आपके बीच में पहुँचे कि नहीं? नहीं पहुँचते भैया, पहुँचते होते तो ऐसे रहता इलाका, जीतने को भूल जाते हैं लोग। अच्छा, आप लोगों की पहुँच होती है क्या कि कभी कोई जरूरत पड़े तो आप उनसे बात कर सके, मिल सके, ऐसा कुछ? जाना पड़ता है तो मिलते मिलते, नहीं मिलते कोई गारंटी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सरकार का दावा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास आम जनता तक कितना पहुंचा है आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं विकास की धारा और फिर हम आपको दिखाते हैं विकास का उजियारा। चूंकि ये सीमांत इलाका है, इसलिए यहाँ पर ना तो सांसद पहुँचते हैं ना तो विधायक पहुँचते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर विकास भी नहीं पहुँच पाता है। लेकिन हम हैं कि हर जगह पहुँच जाते हैं, और हम इसलिए आज यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा इलाका है, तो आपको बता दें कि हम इस वक्त हैं आजमगढ़ में, और ये है फूलपुर विधानसभा का क्षेत्र है, और यहाँ पर आज हम पहुँचकर जनता से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का जो दावा है सबका साथ सबका विकास का, वो यहाँ पर कितना पहुँचा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सनातन टाइम्स। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये जानने समझने के लिए कि इस क्षेत्र में विकास का कार्य कितना हुआ है, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। वो तो जनता बताए कि मुद्दा क्या उसका है, वो तो सही है,
जनता का मूड सबको पता नहीं रहता है किसका क्या मूड है, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ जीरो, यहाँ किसी मार्ग से किसी बाजार से किसी अथवा से अटैच नहीं है, एक कटा हुआ है जैसे लंका बसा हो, ये लंका की तरह बसा हुआ है। ऐसा क्यों? अरे भाई ऐसा क्यों, अब हम क्या बताएंगे ऐसा क्या हो, तो ये तो कटा हुआ है भाई, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, मतलब जो है सांसद तो पता ही नहीं, तो बात सही है, कोई बता ही नहीं सकता कौन सांसद यहाँ का है। अच्छा, नाम जानते हैं नहीं जानते? नहीं, हम तो जानते हैं। ठीक है, बताइए जरा कौन है सांसद? संगीता जी हैं। अच्छा, हाँ, किस पार्टी से हैं? वो बसपा के हैं। अच्छा, और विधायक जी यहाँ के कौन हैं? विधायक जी तो रमाकांत जी इस समय जेल में हैं। जेल में किस पार्टी से हैं? समाजवादी से हैं। अच्छा, तो यहाँ का काम देख कौन रहा है, विकास का कार्य देख कौन रहा है, संभाल कौन रहा है, करवा कौन, बता दे कौन देख रहा है, हमको क्या पता कौन देख रहा है। नहीं, जैसे आप सांसद को कभी आप मिले नहीं है, वो आती नहीं है, या इस इलाके से उनको कोई संबंध नहीं है, और जो विधायक जी हैं वो जेल में हैं, तो क्या यही वजह तो नहीं है कि विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ा? ये वजह नहीं, तो बहुत दिनों से ऐसे चल रहा है, आज से थोड़ी, जेल तो आज में है ना, जेल तो मान लीजिए इस कार्यकाल में है, लेकिन जो है, हाँ, सरकार तो भाजपा की है ना, तो मतलब बीजेपी अपना जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो यहाँ सफल नहीं करवा पा रही। हवा हवाई है, पृथ्वी पर है, मंच पर सिर्फ है, जमीन पर नहीं है, वो मंच पर है। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। अच्छा, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कोई दुकान वगैरह है आपकी या फिर? दुकान है। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर है। ये बताइए कि यहाँ पर विकास कार्य कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसा सरकार का दावा है कि हर जगह विकास पहुंच रहा है, आपको क्या लगता है? यहाँ कोनो विकास दिखा ना हुए, खंगमा लगवा तक बिजली ना जला, हमने कौन जलबन के लगा जो नकवा। कितने दिन से लगा है? अरे कद्दू साल हो गई, और ज्यादा चार्ज अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 10 साल हो गया लगे उसको। हो सकता भाई, वो भी हमको याद नहीं है, देह दिमाग उतना तेज नहीं है हमने। लेकिन कभी लाइट जली नहीं है? कभी जली नहीं। तो लाइट 10 सालों से लगी हुई है मगर जली नहीं, ये कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को हर हालत में मिलनी चाहिए। क्या नाम भैया आपका? अनिल कुमार अग्रहरी। अच्छा, अनिल जी क्या करते हैं आप, पहले तो बताइए। मोबाइल शॉप की दुकान है। अच्छा, तो इस इलाके में आपकी दुकान है, आपको कोई समस्या होती है, मूलभूत सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं, सरकार की जो सुविधाएं? सुविधाएं पहुंच रही है, कोई असुविधा नहीं है, बिल्कुल पहुंच रही है। तो इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी का माहौल बढ़िया रहेगा, कौन जीतेगी? फिर मोदी जी आएंगे दोबारा, बिल्कुल आएंगे। ये इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कैसे कह? बिल्कुल, लोग भ्रष्टाचार कम हो रहे हैं और बड़े बड़े से बड़े पैमाने पर रोजगार भी आ रहा है, लोग जो युवा घूम इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार भी पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ रहा है जो पा रहा है, जो कर रहा है प्रयास वो पा रहा है, और जिसको नहीं करना है वो प्रयास नहीं पा सके, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। जनता मोदी जी के साथ है, विपक्ष के होने से एक होने से कोई फायदा नहीं है, जनता तो हमारी एकत्र है। अच्छा, बीजेपी आपको क्या लग रहा है कि इस बार किस मुद्दे पर वो मैदान में उतरेगी? विकास है, गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, मुक्त है इससे। विपक्ष वाले तो और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस के पास वही राहुल गांधी बचे हैं, और कोई पास उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए बीजेपी की सरकार फिर दोबारा आएगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम रियाज अहमद। दो नाम बता रहे हैं का है? नहीं तो यही हर जगह चला था, और है तो रियाजुल हसन मगर यही नाम रियाज अहमद। अच्छा, हाँ। तो बाजार में घूमने निकले हैं या कोई दुकान वगैरह? नहीं साहब, सब्जी वगैरह ले निकले के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए आप इसी इलाके के रहने वाले हैं प्रॉपर? जी हाँ, इसी। तो इस इलाके में सरकार की जो सुविधाएं हैं, आपको क्या लगता है कि वो सुविधाएं आप तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली पानी बत्ती? साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ यही है ये मिलता है जो राशन यही मिलता है। अच्छा, हाँ, और बाकी कुछ नहीं है। तो राशन मिलता है, राशन के बल पर इस बार क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी क्या? क्योंकि ये एक उसका बड़ा मुहिम है कि जनता को, गरीबों को वो राशन बांट रही है कोरोना काल से ही। हाँ। तो क्या इस बल पे वो एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? कहाँ
सरकार तो बनेगी, किसकी बनेगी सरकार? जिसकी है वही की बनेगी, जो बांट रहा है। हाँ उसी की बनेगी, नमक खा कर हराम नहीं करना है। हाँ बताइए चाचा क्या हाल चाल का नाम है? भैया कुल ठीक है, खाली बस एक परेशानी बा हमें, ढाई ढाई लाख रुपया खर्चा करके एक एक खेत घेर एक एक बीघा खेत के घेरेबंदी कर दिए है, और एक बीघा में 8 क्विंटल 9 क्विंटल गेहूँ काटत रहे और हसुआ तक ना जाए पावत, जब तक 1.5 लाख लगा के ओकर घेरेबंदी न करबे, बस यही व्यवस्था कर सरकार, और नहीं तो ये तो भाजपा सरकार तो लाखों में एक है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, वोट दूंगा, लेकिन यह खाली एक आभा डाभा बा कि जब उन्हें खेत में 8 क्विंटल काटत रहे वो मन ससुर हसुआ ना जाए पा का हाल भाई खेत में से है ना, और हम खेतों में से आउट तो है। हाँ प्याज जितना बोई से प्याजिया तक खाइया थे, यही हाल ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। हाँ। और ये आपकी बात सरकार तक पहुंचनी भी चाहिए। हाँ। तो इसके अलावा भी कोई तकलीफ है? ये तो तकलीफ नहीं, नहीं, अरे बाप रे बाप, धन है वो जोगी जी महाराज और धन है मोदी जी महाराज, क्या कहना है, गरीबों के लिए जो उन्होंने सेवा किया, फ्री में अन्न बंटवाया और सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन यह बात एक बीघा में अगर जब तक 2.5 लाख 1.5 लाख खर्च कर घेरेबंदी ना करबे तो ओकरे बाद जो है हसुआ उमन ना ले जाइए, तो उन्हें खुद काट के अपन सही कर दे, बस यह तकलीफ बा मालिक और कुछ ना हो। नहीं ये जाहिर सी बात है, ये एक किसान का दर्द है और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा कि किस तरह से। हाँ। रात आप रुक जाए तो 20 साल अब ओहर से आई हैं, तो 20 साल ओहर से ढकेल गई हैं, तो 20 साल हर से ढकेल गई हैं, एकदम जान लग जीना माहौल भवे, वो खुद के हुकना हो पा पानी पीना पा तब तक को का सही कह दे। हाँ तो बताओ का। अच्छा, अच्छा जो किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 2000 रुपये दे रही है उसको मिलत हम जी जी, अरे बाप रे बाप, वह तो बस खाली इतना तकलीफ बा कि हसुआ ना जाए पावर पर खेते में, बस इस तकलीफ के बाद वोट बीजेपी को जाएगा कि नहीं? हम बीजेपी देवे और क्यों ना देवे। हाँ बीजेपी के तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तिलक ब्राह्मण तराजू बनिया हम बनिया है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, किसने कहा था ये? ए बसपा सरकार ने कहा था। अच्छा। जी याद है आपको? अरे याद नहीं है, बस खाली वहाँ हसुआ चला जात खेतवा में तो संतोष हो जा सरकार और कौन बात ना रहा। आप नंबर एक की बात कर रहे हैं, इसी वजह से जो सब लोग हैं सब हंस रहे हैं और आपकी बात से लोग प्रसन्न भी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए एक दुकान में और चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रणाम, नमस्कार आप लोगों को, क्या नाम है भैया आपका? विजय कुमार शुक्ल। आपका क्या नाम है चाचा? लाल जी अग्रहरी। अच्छा ये बताइए, मित्तूपुर में आपकी दुकान है, ये आजमगढ़ ज़िला है और बॉर्डर पे कहीं ना कहीं ये है, और यहाँ पे अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और आजमगढ़, जौनपुर, ये 4 ज़िले जुड़ते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर पे होने की वजह से सरकार की जो सुविधाएँ हैं वो तक नहीं मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, सड़कें पूर्ण रूप से अधूरी हैं, कभी भी गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है, और पानी की बड़ी समस्या है ये आप समझ लीजिए, और सरकार से तो संतुष्टि है, सुनने में जो भी आता है कि अच्छा सुनने में आता है, लेकिन एक भी सुविधा यहाँ तक पहुँचती नहीं है, न तो कोई अधिकारी आता है, न कोई और कुछ समझता है, बॉर्डर का एरिया है उधर अंबेडकर नगर, इधर आजमगढ़ है, लेकिन सड़क की स्थिति जो है बहुत ही खराब है ये समझ लीजिए, माने आप आए होंगे आप देखे होंगे रास्ते की कहानी क्या है, लेकिन उसके लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है, अधिकारी जो भी आते हैं कहा भी जाता है लेकिन वो मानते नहीं, कुछ सुनबे नहीं करते हैं। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, वो कभी क्षेत्र में आते? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारी सांसद हैं संगीता जी, कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिया तक, जीतने के बाद तो कभी नहीं दिया, और जब इलेक्शन था तो एकाध दो बार उन्होंने दिया था, आज तक उन्होंने कभी किसी का कुशल क्षेम नहीं पूछा है कि आप लोग कैसे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या बातें हैं, कोई की पूछने वाला आज तक नहीं है। अच्छा, किस पार्टी से हैं वो? वो बसपा से हैं। अच्छा बसपा से हैं, तो अब एक बार फिर से इस क्षेत्र में आने का मौका उन्हें मिलने वाला है 2024? मिलने वाला है, लेकिन स्थिति गवारा नहीं है, वोट बैंक उनके कुछ ज़्यादा हैं, जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल वगैरह इस क्षेत्र में तिसनाते वो जीत गई, नहीं तो अन्यथा तो स्थिति नहीं उनकी जीतने की है। जी हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम उनको वोट दें, हम चाहते हैं विकास हो क्षेत्र का, ऐसा आदमी कोई आवे
ढंग का आदमी आवे, जो ख्याति प्राप्त आदमी हो, लोगों से मिलने जुलने वाला। स्थिति यहाँ बहुत ख़राब है कि आज जो भी प्रतिनिधि आते हैं रमाकांत यादव के अलावा, वो जनता की सुविधा असुविधा को सुनते हैं, हमेशा सुनते रहे हैं, इसी ना तो जीतते हैं, खुली बात है उनकी, न तो कोई उनकी दादागिरी है न कोई गुंडई। हम लोग भाई बहुत ही फायदेमंद हैं। ये किसकी बात आप कर रहे हैं? ये रमाकांत यादव जी की, जो यहाँ के विधायक जी, जो विधायक हैं वो हमेशा हालचाल लेते हैं, सबका सुविधा पूछते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अब चाहे वो विपक्ष के नाते जिस भी कारण के नाते काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि अभी चौराहे पे हम एक लाइट देख रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी लगवाई थी और उसके बलराम जी, हम समझते हैं संगीता जी के बहुत पहले थे जब ये आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र था ही, और उसके बाद कभी कोई देखने वाला, बहुत अप्लीकेशन पड़े, कोई देखने वाला नहीं आया इसके लिए, कभी कोई नहीं आया। क्या वजह लगती है भाई? लाइट अगर सामूहिक तौर पर चौराहे पे लगी है वो सबके लिए लगी है, पूरे जितने भी व्यापारिक संगठन है या जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं सबको सहूलियत होगी, तो वो अगर पिछले 8-10 सालों से नहीं जल जी। हम कह ही सकते हैं ना आपसे, उसके लिए आवरण अनशन तो कर नहीं सकते, हमारे पास न क्षमता है न कर सकते हैं, हम लोगों से कह सकते हैं, कहा भी गया है, कई बार एप्लीकेशन भी दिया गया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं आज तक, कभी कुछ नहीं हुआ। इसमें नल जल का यहाँ पे जो उस मिशन देख लिए, पानी की कहानी इतनी है ख़राब है कि आप उस चौराहे से लेके उस चौराहे तक चले जाइए, ये देखिए हैंडपाइप हम लोग लगवाए हैं चंदा लेके, और एक भी हैंडपाइप नहीं है कि किसी को शुद्ध पानी मिल जाए। ये भी देसी हैंडपाइप है, 35 फुट पे लगा हुआ है, पानी जहरीला है लेकिन मजबूरी है पीना हम लोगों को, उसके लिए सारे जनप्रतिनिधियों से कहा गया लेकिन एक हैंडपाइप आज तक लगा नहीं, ये समझ लीजिए। ये सब समस्याएं हैं तो कोई क्या कर सकता है, बताइए आप। तो अच्छा, एक जागरूक जनता होने की वजह से, आपका ये थोड़ा सा और टाइम लूंगा, एक सवाल और है, एक जागरूक जनता होने की वजह से व्यक्ति को जो शीर्ष पर बैठा हुआ नेता है उसका चेहरा देख करके वोट करना चाहिए या लहर देख करके वोट करना चाहिए या फिर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके काम? बहादुर जी एक बार हुए विधायक, श्याम बहादुर यादव जी हुए, सपा से हुए थे, लेकिन उन्होंने करीब देखिए पूरी RCC, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे लेकिन RCC पूरी मार्केट को कराई, उसके लिए उनको धन्यवाद है, दो पुल दिया यहाँ पे, उसके पहले रामदेश जी 2 पुल दिए जो कि रास्ता मिल गया हम लोग आने जाने का ब्लॉक तक ही समझ लीजिए, और तो मुंह देख के ऐसा कुछ नहीं है कोई वोट देता है, ऐसा तो नहीं कोई बात है। यानी स्थानीय जो नेता हैं उनके काम पर वोट देना, काम देना, वो किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो, अच्छे हों जो कि जनता की सुविधा को देखें सुने समझें, तो ये अच्छी बात होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, कि अगर आप अपने स्थानीय नेता को चुनते हैं तो वो आपके आप तक कितना पहुंच रखता है, आपके दुख सुख में कितना भागीदारी होता है, ये देखकर अगर आप वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके क्षेत्र में विकास होगा। हाँ जी, बॉर्डर के नाते मृत्युपुर पूर्ण रूप से छूता है, हर मामले में छूता है, ये समझ लीजिए, तो इसके लिए कुछ आप लोग अगर प्रयास करिए तो ज़्यादा अच्छा है भाई, आप कुछ नहीं तो एक हम वही प्रयास कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हम तक अपनी बात पहुँचा रहे थे, तो आज हमने उनकी बात को और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो आपके स्थानीय स्तर पर अगर हम विकास की बात करें तो सरकार का कितना विकास यहाँ पर पहुँचा है, आपकी क्या राय है? विकास तो आप खुद देखे होंगे, अभी आप चल के आए हैं ना पवई की तरफ, अगर आप अपने शब्दों में बताएंगे तो शायद, जो आपने स्वयं देखा उस पर हम क्या कहें, जो आपने स्वयं देखा है तो वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारी नजरों से कुछ अच्छा हो सकता है आपकी नजरों से कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा नहीं, नजरें एक हैं, जो आप जिसको आप अच्छा कहेंगे उसको ऐसा नहीं है कि कोई और गलत कहे, ये सड़क अच्छी है तो हम भी अच्छी कहेंगे आप भी अच्छी कहेंगे, तो ये अच्छी है नहीं अच्छी पहले आप बोलिए। बिल्कुल अच्छी, हम चल रहे हैं, कम से कम हमको पानी के जल जमाव से नहीं जो है दो चार होना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो सड़क अच्छी है, यानी कि सरकार का विकास यहाँ तक पहुँच रहा है अब। हाँ जरूर, काम तो हुआ है, अब वो किसने किया है और किसके समय में हुआ है ये प्रासंगिक है, नहीं काम तो हुआ है। मौके की अगर हम बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें आपको क्या लग रहा है कि किसका माहौल बनेगा? अब ये कहना तो कठिन है, अभी अभी टाइम है भाई, इस विषय में हम क्या कर पाएंगे, वैसे भी हम कर्मचारी हैं, बहुत कुछ